आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के अंदर है, जहां कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि गुरु पर्व, जिसे कि प्रकाश का पर्व कहा जाता है, और इस प्रकाश के पर्व पर आपको हमारे साथ यहां गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के अंदर सभी साध संगत नज़र आ रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे तो आपको मेरे साथ बिल्कुल पीछे गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का मुख्य दरबार नज़र आ रहा है, और इसी मुख्य दरबार के साथ यहाँ आप देखेंगे तो सरोवर कुंड, यहाँ वो सरोवर कुंड है जहाँ सरोवर कुंड के अंदर सभी साध संगत पूजती है, और इस सरोवर कुंड में नहाने से, यहाँ हाथ पैर धोने से सभी कष्टों और विकारों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ यहाँ आई हुई सभी साध संगत से हम रूबरू होंगे। लेकिन इस समय सुमित जी, मैं आपको हाजिर हरियाणा के बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ की तमाम तस्वीरों को आप हमारे साथ इस समय देख रहे हैं, तो इसके साथ आप मेरे साथ यहाँ देखेंगे तो आपको चरण कुंड नजर आ रहा है। तो इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं चरण कुंड। जब आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर आते हैं तो हमें इसे चरण कुंड से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस समय आप मेरे साथ चरण कुंड को निहारते हुए देख सकते हैं, जहां साध संगत अंदर आते हुए सबसे पहले इस चरण कुंड में गुजरा जाता है। माना जाता है, माना ही नहीं जाता, यह मान्यता है कि इस चरण कुंड को छू लेने से, जब हम इसमें चलते हैं तो यह पानी हमारे पैरों को छूता है, तो इस पैरों को छूने के साथ ही हमें सभी कष्टों और विकारों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ आपको साध संगत नजर आ रही है, और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का मुख्य दरबार आप मेरे साथ इस समय देख रहे हैं। और साध संगत के साथ आइए हम रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु नानक जी के उपदेश, शब्द और कीर्तनों के बाद पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मेरे साथ आप गुरुद्वारा साहिब का मुख्य दरबार देख रहे हैं। उसी मुख्य दरबार के साथ यहाँ देख सकते हैं कि लाखों की तादाद के अंदर यहाँ साध संगत जुड़ी हुई है, और वहां देख सकते हैं कि मुख्य दरबार के साथ आपको गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का मुख्य दरबार नजर आ रहा है। इसी के साथ आइए मैं आपको पीछे की ओर ले चलूंगा, जहां आपको सरोवर नजर आएगा। इस सरोवर के साथ आइए हम साध संगत से रूबरू होने की कोशिश करते हैं। तो इस समय आइए हमारे साथ विस्तार के साथ चर्चा करने के साथ आपको वहां तो आइए अंदर चलकर हम गुरुद्वारा साहिब के साध संगत से रूबरू होने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल आप मेरे साथ सेंटर के अंदर मेरी उंगली के सीध में देखेंगे तो आपको निशान साहिब नज़र आएंगे। इस निशान साहिब की परिक्रमा की जाती है, और माना जाता है कि यहाँ जब आकर हम अपनी मन्नत मांगते हैं तो वह हमारी मन्नतें भी पूरी होती है। लेकिन इस समय आप मेरे साथ गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के अंदर देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ आज गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने आए हैं, और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के साथ साथ यहाँ सेल्फी खिंचवाते हुए, तस्वीरें खिंचवाते हुए परिवार भी आपको यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे साथ बिल्कुल देखेंगे तो आपको यह निशान साहिब नज़र आएगा। आइए मैं आपको जो कि सरोवर है, सरोवर के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको वहाँ तक सुमित जी दिखाने की कोशिश करें कि जो सरोवर कुंड है उसकी परिक्रमा की जाती है, और इसी परिक्रमा के साथ पूरी चर्चा करेंगे कि इस परिक्रमा, जो सरोवर की जो परिक्रमा की जाती है वो कितनी परिक्रमा की जाती है। लेकिन इस समय के तस्वीरों के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सरोवर कुंड का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के साथ साथ आइए हम इस पानी को छूते हैं, और छूने के साथ अपना हाथ पैर और मुंह धोने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कैमरामैन सुमित फुर्तीला जी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय की तस्वीरें आप मेरे साथ सरोवर कुंड की देख रहे हैं। तो आइए सुमित जी, हम मिलकर इस पवित्र पानी से, बिल्कुल इस पवित्र पानी में अपने हाथ पैर और मुंह को धोते हैं। एक बार पकड़िए भाई, तो मेरी तस्वीर ला। हाँ, हमारी बनाओ। हाँ, देखिए, ये देखिए जी, यहाँ पर मुंह धोते हैं। ये देखिए पत्रकार साहब कैसे मुंह धोते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए स्माइल पास कर। तो इस समय मेरे कैमरामैन सुमित फुर्तीला को आप देख सकते हैं कि जो सरोवर कुंड के अंदर आपको इस पवित्र पानी को अपने हाथ पैरों से लगाते हुए आपको इस समय नज़र आ रहे हैं। तो हाजिर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आइए यहाँ हमारे साथ कुछ बंधुवर भी नज़र आ रहे हैं। इन बंधुवरों से पूरी चर्चा करेंगे। आइए बाहर आ जाओ, थोड़ी बाहर करते हैं। आयो।
तो इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ युवा साथी नजर आ रहे हैं। इन युवा साथियों के साथ आइए, थोड़ा रूबरू होने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आपका नाम? श्याम सुंदर। आपका नाम बेटा? गौरव। आपका नाम दोस्त? भविष्य गुज्जर। तो भविष्य गुज्जर, आज गुरु पर्व पर क्या खास संकल्प लिया आपने, खास यानी कि प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि आज गुरु पर्व यानी कि प्रकाश का पर्व है? हाँ जी। तो गुरु साहिब के दर्शन किए? हाँ किए। तो क्या मन्नत मांगी है, क्या आगे बढ़ने का संकल्प लिया है? इनसे पूछिए। क्या संकल्प लिया? इनसे पूछिए। तो आइए मेरे साथ, देख सकते हैं इस समय सरोवर कुंड की परिक्रमा करने के बाद यहाँ आपको मेरे साथ यहाँ साध संगत नज़र आ रही है। इसी साध संगत के साथ आइए रूबरू होते हैं, हमारे को एक परिवार नज़र आ रहा है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो इस समय आप मेरे साथ यहाँ की तस्वीरों को देख रहे थे, जहाँ सरोवर कुंड की, सुमित जी देख सकते हैं, आपको दूर तक दिखाने की कोशिश करें पूरे सरोवर कुंड को, जहाँ परिक्रमा करते हुए आपको साध संगत नज़र आ रही है। इनकी ओर दिखा दे थोड़ा सा, बस आ गया।